नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। नजर डालते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल व ग्रामीण बंद के तहत किसान यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में रैली निकाली गई। किसान यूनियन व मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मस्कन व बाजार के मुख्य चौराहा पर एकत्र होकर केंद्र व प्रदेश सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम 32 सूत्री मांग पत्र एसडीओ आईएसबी दिलीप कुमार वर्मा को सौंपा है। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश गोंडा से जुड़ चुके हमारे संवाददाता संजय वर्मा। संजय, क्या है पूरा मामला, बताइए। जी, आपको बताना चाहेंगे कि अखिल भारतीय मजदूर यूनियन व उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन भारतीय किसान यूनियन ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर, भारत बंद आह्वान जो संयुक्त किसान यूनियन ने किया था, उसके आह्वान पर उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आज गोंडा जनपद में भी देखने को मिला। यहाँ भारतीय किसान यूनियन व उत्तर प्रदेश मजदूर किसान यूनियन के दोनों ने संयुक्त रूप से मस्कनवा कस्बे में रैली निकाली व धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को जो है छपिया ब्लॉक पे जो है आईएसबी दिलीप वर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने तमाम तरीके की मांगे रखी किसानों को होने वाली समस्याएं, चाहे वो छुट्टा जानवरों की हो, चाहे वो फसल बीमा की हो, चाहे वो एमएसपी की हो, इन्हीं तमाम तरीकों की मांगों को लेकर उन्होंने अपना ज्ञापन जो है आईडीओ दिलीप वर्मा को सौंपा। और प्रदर्शन करते हुए ये जाहिर किया कि ये सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं वो किसानों एवं मजदूरों के हक को मार रही है। जी संजय, बताइए कि रैली में किस प्रकार से माहौल रहा है, क्या शासन प्रशासन ने वहां पर मोर्चा किस प्रकार से संभाला हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ है उस टाइम पे कुछ हल्ला हुआ या फिर शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई है ज्ञापन देने के दौरान? चाहेंगे कि रैली जो हमारे किसान भाइयों ने आह्वान किया था, जो किसान ने रैली प्रदर्शन किया था, वो काफी शांतिपूर्ण ढंग से किया। बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूर्ण मुस्तैदी दिखाई। यशचो छपिया मौके पर मौजूद रहे, काफी पुलिस बल मौजूद रही, किसी प्रकार की कोई भी प्रदर्शनकारी या किसी भी अन्य तत्व को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं हुआ। बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालकर अपना ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंधित में ब्लॉक मुख्यालय छपिया पर सौंपा गया। जी संजय, यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई है तो आगे कैसा क्या रहेगा इसको लेकर के? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा का कहना है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती है तो हम इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाएंगे और लंबे टाइम तक हम धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। वहीं कहीं ना कहीं दीपक वर्मा ने एक फेसबुक के माध्यम से एक ट्वीट एक पोस्ट करके ये दर्शाया है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन किसान आएंगे तो कील बिछाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो एक आक्रोश है, किसानों के प्रति अध्यक्ष दीपक वर्मा ने फेसबुक के माध्यम से ये ट्वीट करके हम लिखा था, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो हो रहे अन्याय है, जो हो रही परेशानियां है, चाहे वो छुट्टा जानवरों की देखी जाए आए दिन, चाहे सड़कों पे हो, चाहे फसलों को हो, कहीं ना कहीं हर जगह किसान ही मारा जा रहा है। जी, भारत बंद को लेकर के किस प्रकार का माहौल है गोंडा में? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, भारत बंद के आह्वान का कोई बहुत ज्यादा विशेष असर गोंडा जनपद में देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने अपने काम पे पूर्ण रूप से उन्होंने अपना कार्य पूर्ण रूप से बंद किया है। बाकी अन्य व्यापारी वर्ग है वो जो है अपने काम में बिल्कुल वैसे है जैसे डेली दिनचर्या रहती है। तो जैसे कि आपने देखा ही है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में किस प्रकार से मजदूर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रैली निकाल करके अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर के ये ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर, और शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकाली गई है और शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया गया है। उनका कोई मकसद नहीं है कि हल्ला हो करा या किसी पर, बस उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी मांगों को स्वीकार करें और मान लें। और किसानों का वहीं ये भी कहना है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई है तो ये
जो प्रदर्शन और रैलियां जो हैं ये लगातार जारी रहेगी। तो इसी के साथ आप देखते रहे, जल्द हाजिर होंगे हम श्री महाकाल लोक टीवी पर, बने रहें।